से दो डॉलर की फ्लाइट पकड़ी है ना भाई, इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ती है। ये है हमारा पॉइंट। मॉर्निंग गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी क्योंकि आज मॉर्निंग गाइस सुबह के बज रहे हैं 5:45। हम 4 बजे उठ गए थे क्योंकि आज मेरी लाइफ की मैं फर्स्ट फ्लाइट ले रही हूँ, क्योंकि हम इवेंट में जा रहे हैं। हमारी कंपनी का इवेंट है साइफर ब्लॉकचेन का, तो मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ। हम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं क्योंकि हम बहुत लेट हो गए हैं और हमारी कैब भी 5 मिनट में आ रही है। और ये सुबह सुबह का देखिए नज़ारा, बिल्कुल शांति, सब सो रहे हैं और हम लोग तैयार हैं एयरपोर्ट जाने के लिए। आई एम एक्साइटेड फॉर माय फर्स्ट फ्लाइट। तो आप इस पूरी वीडियो में बने रहना मेरे साथ, चलिए चलते हैं। हम आ गए हैं इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 3 और ये हम पहुंच गए हैं आधे घंटे में गेट नंबर 3 पे। ये हो रहा हमारा, आगे दिख रहा है टर्मिनल 3, दिख रहा होगा आपको। अभी तो मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हो रहा क्योंकि मेरा पेट अजीब हो रहा है। बाहर निकल के देखते कैसा लगता है। ये देखिए फ्लाइट से यहाँ पे लगी हुई है सारी, उतर के मैं और अच्छे से भी दिखाऊंगी। गाइस हम पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट और अभी तो फीलिंग, ये हमारा लगेज है एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट फर्स्ट टाइम। ये तो काफ़ी बार बैठ चुकी है लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम। ये रही क्यूटी, मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ। हाँ नहीं, ये सारे हमारे टीम मेंबर्स डीजे आते हैं। ये हमने एंट्री ले ली है डीजी यात्रा से। अगर आप करते हैं स्कैन बोर्डिंग पास तो जल्दी एंट्री हो जाएगी, नहीं तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा। मेरा डीजी यात्रा मैंने अभी सेटिंग करके फटाक से एंट्री कर ली है टर्मिनल 3 पर। और ये सारे हमारे टीम मेंबर्स है साइफर के, और ये मेरी बहन है क्यूट सी। बस थोड़े गुस्से में है क्योंकि हम लेट हो गए। ये देखिए हमेशा जल्दी में रहते हैं क्योंकि भाई टाइम बहुत प्रीशियस है, टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। आप चाहे तो ऐसे रास्ते ले सकते हैं ताकि आप ऐसे थोड़ा ऐसे कम चलना पड़े, सुपर मन लग जा सकते हैं। ये हमारे बोर्डिंग पास, ये हमारी सारी टीम। यहाँ पे हमारा वो वेट चेक हो रहा है, 25 पर पर्सन अलाउड होता है, उससे एक्सेस आप किसी और पर्सन में एडजस्ट कर सकते हो। ये हमारी एयर इंडिया की फ्लाइट, ये है फाइनली हमारी एयर इंडिया की फ्लाइट है और ये सच्ची फ्लाइट है। ये कैसे दो डॉलर की फ्लाइट पकड़ी है ना। ये रहे हमारे बॉस और हमारे बाकी के टीम मेंबर। फ्लाइट देख लो अंदर से कैसी लगती है भाई, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बस दौड़ा दौड़ा वहाँ से। देखिए आपको यहाँ पे बेल्ट बांधनी होती है, देखिए कैसे बांधते हैं, नया बताइए। ये इसको मोटो बस ऐसे करके बांध दीजिए, दिस इज़ फॉर योर सेफ्टी। टाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चल गए हैं न्यू दिल्ली से टेक ऑफ करने वाले हैं। अभी 8 बजने वाले हैं और हमें 11 बजे बैंगलोर उतार देगी ये फ्लाइट। अभी तो अच्छा ही लग रहा है, बाकी बाद में देखने हैं, मुझे तो ऊपर से आसमान के। मुझे बादल देखने, बादलों में चले क्या चलो।
अब हमें नाश्ता सर्व हो रहा है और ये हैंडसम सा बंदा है जो हमें नाश्ता दे रहा है और ये हम बादलों के ऊपर आ गए हैं। मेरा सर घूम रहा था स्टार्टिंग में, अभी भी घूम रहा है। हमारी कॉफ़ी आ गई मिल्क है, शुगर है, ये कॉफ़ी है, ये देखिए भी हमें कॉफ़ी आती है ब्लैक। अब इसमें ये ज़रा सा चिल्लू भर दूध डालेंगे, हम दूध भरेंगे इतना सा दूध में हमारी कॉफ़ी बन जाएगी। हाँ ये तो गोरी हो गई, ये तो गोरी हो गई, काली सी गोरी हो गई। ये डाल देंगे इसमें, पहले ऐसी थी बिफोर एंड आफ्टर, पहले मैं ऐसी थी अब मैं ऐसी हो गई, चिल्लू भर दूध से ही मेरा रंग बदल गया। हाँ हमारा ब्रेकफास्ट, ये दही है, बटर है और ये पराठा, चने और बटर भी योगर्ट है। तो गाइस खाना तो एवरेज ही था, ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बाकी व्यू एक नंबर है। ये हम आ गए हैं कैंप पकौड़ा, आपकी सहायता की जाएगी। ये हमारा लग ही जाएगा यहाँ पे, इतना बढ़िया लग रहा है एयरपोर्ट, सच में अमेजिंग। उठा लूँ तूने इतने गर्मी के ठंड के कपड़े पहने, ठंड लग रही है? अरे दिल्ली में ठंड थी ना, यहाँ नहीं है। तो दिल्ली के हिसाब से आयो तुम यहाँ? हाँ अब यहाँ बेंगलोर वाले कपड़े भी करते हैं, गर्मी वाले कपड़े उसमें ज़्यादा। पहला फ्लाइट का एक्सपीरियंस मेरे को मज़ा नहीं आया, मेरा तो बहुत ही अजीब सा था और मैं तो ट्रेन ही प्रेफर करूँगी, ट्रेन सबसे बेस्ट। ये देखिए एयरपोर्ट कितना सुंदर बना रखा है बेंगलोर का, बढ़िया लग रहा है। गाइस देखिए कितनी हरियाली है यहाँ पे एयरपोर्ट के बाहर बेंगलोर के, बहुत सुंदर और अच्छी अच्छी सी हवा चल रही है, अच्छा है वेदर, नाइस। लोग हैं अभी एयरपोर्ट पर ही है, अपनी बस का वेट करके हमारे बाद के लोग हम बस में जाएंगे अपने होटल। ये हमारे स्टेज है एट द रेट बेंगलोर में, ये है पूरा पूरा हॉल और ये है फर्स्ट रूम और सबके साथ अटैच बाथरूम है, ये बढ़िया चीज़ लगी। और ये है हमारा रूम, मेरा और नेहा का बढ़िया रूम है, इसकी मुझे सबसे अच्छा लगा ये बाथरूम, इसमें ये वाला शावर है ग्लास वाला और बड़ा सा मिरर है, रियली लाइक इट। और ये है हमारे बॉस जी का रूम, ये यहाँ पे अलमीराज में यहाँ पे अच्छे बड़े शीशे हैं तैयार होने के लिए, यह बाथरूम में कोई गया है। और अभी हमें भूख लगी तो हम खाना खाएंगे जल्दी से और फिर आपको मिलते हैं। और सबसे बड़ा सोई है, आप अपना भी कुछ बना सकते हैं, इसकी सारी डिटेल्स हमें कितने का पड़ा क्या पड़ा मैं आपको बाद में बता दूँगी।
बाकी अच्छा है, बढ़िया है स्टे। बालकनी दिखा देते हैं, ये बालकनी है। हरियाली हरियाली आपको पूरे बेंगलोर में मिलने वाली है। पूरी टीम साइफर ब्लॉग सेल की, ये श्रीदास, ये अमान, सत्या जी जो मुझे डांटते रहते, ये शोभा, पूजा, अमान से मिला दिया श्रीदास। गाइस मेन बंदे से तो मिलाने ही भूल गए, ये हमारे साइफर ब्लॉक चैन के फाउंडर विनोद कुमार जी और इनकी बीवी क्यूट सी पागल, और हम लोग चाय पीने जा रहे हैं। बैंगलोर में है और यहाँ का वेदर अच्छा है, वेदर अच्छा है, वेदर अच्छा है, पर गर्मी भी है। तो तूने इतना गुदड़ा पहन रखा है ना, हाँ इस वजह से शायद मुझे लग गाना लगा लीजिए। नहीं मैं नहीं लगाऊंगी गाना, मैं गाना बिल्कुल नहीं लगाने वाली। ये पूरी की पूरी टीम, हेलो, ये है मोहम्मद, हाय मोहम्मद, ये है ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन टीम से पूजा और मोहम्मद। आज हम सारी टीम से मिल लिए अपनी, ओसायरस वाली और ब्लॉकचेन वाली। हम हैं बेंगलोर में आए हैं यहाँ तपड़ी वाली चाय पीने। अब दिल्ली की चाय तो बढ़िया लगती है, यहाँ की चाय दिखाते हैं आपको। यह है सारे चाय के प्राइसेस। कुल्हड़ वाली चाय कितने की है भैया? 20 रुपए का वन। अच्छा ओके, तो ये सारे लोग चाय पीने आए, सब लोग चाय ले लो।